नमस्कार साथियों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। NIOS के DLED कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आकलन के परिणामों का अभिलेखन एवं प्रतिवेदन। इस कार्यक्रम में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर JN वालिया। डॉक्टर JN वालिया केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के शिक्षा संकाय में सहायक प्रोफेसर हैं। डॉक्टर वालिया, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आइए डॉक्टर JN वालिया के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षकों, आज अभी तक आप लोगों ने विभिन्न इकाइयों में अध्ययन किया कि एक विद्यालय में छात्रों का विभिन्न विभिन्न विषयों में, विभिन्न गतिविधियों में किस तरह से उनका हम आकलन करते हैं, कौन सी प्रणालियाँ यूज़ करते हैं, किस तरह की प्रविधियाँ यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आकलन के जो परिणाम आते हैं उसका अभिलेखन और प्रतिवेदन कैसे किया जाता है। आकलन को मोटे तौर पर परीक्षाओं में सफलता या विफलता के साथ संबंध किया जाता है। वस्तुतः ऐसा होना नहीं चाहिए। आकलन को हम प्रयोग में लाएं, आकलन के परिणामों को संयोजित करें, वर्गीकृत करें और उससे अच्छे निष्कर्ष निकाल कर हम छात्र के भविष्य का निर्माण करें, उसके अलग अलग आयामों को उनसे संबंधित जो लोग हैं उन तक पहुंचाएं, सूचना दें, इसी बात की हम चर्चा यहां पर करेंगे। शिक्षकों, आकलन के दो प्रकार होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग माना जाता है, क्योंकि उनका उपयोग अलग अलग तरीकों से और भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आपने अपने शिक्षक होने के नाते जो अनुभव लिया है उसमें अक्सर सुना होगा योगात्मक आकलन, उससे आप परिचित होंगे, लेकिन हो सकता है निर्माणात्मक आकलन में मूल्य और अवसर का पूरी तरह से अन्वेषण ना किया हो, उससे आपकी पहचान ना हो, या पहले से ही कर रहे हों लेकिन आप उसके कौशल के बारे में पूरी तरह से परिचित ना हों। निर्माणात्मक आकलन को कई लोग सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करे। ऐसी प्रतिक्रिया आम तौर पर, हमेशा नहीं, शिक्षकों द्वारा दी जाती है। हम ये भी देखते हैं कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो शिक्षा प्राप्ति को बढ़ाता है। आज उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि एक जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट बोलते हैं, उसको सीखने के लिए अधिकांश विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि उनसे क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई में इस समय किस स्तर पर हैं। विद्यार्थियों को यह भी समझना चाहिए कि वो किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं, अर्थात क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिए हैं। अपने स्तर का ज्ञान होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम छात्रों का निर्माणात्मक आकलन करें, ना कि सिर्फ योगात्मक। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं निर्माणात्मक आकलन की मुख्य विशेषताओं की। यह नैदानिक और सुधारात्मक है, जैसा योगात्मक में इतना नहीं संभव है। यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान करता है। वह छात्रों के स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। वह शिक्षकों को आकलन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन को समायोजित करने में सक्षम करता है। वह छात्रों की स्वयं का आकलन करने और सुधार करने के तरीकों को समझने में हेल्प करता है, सहायता करता है। वह जो कुछ पढ़ाया जाना है उसकी परिकल्पना के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव की नींव पर विकसित होता है। कैसे और क्या पढ़ाया जाना है यह तय करने के लिए भी सीखने की विभिन्न शैलियों को समाविष्ट करता है। ये बात हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं निर्माणात्मक आकलन की। छात्रों को वे मापदंड समझने को प्रोत्साहित करता है जिनका उपयोग उनके काम को परखने के लिए किया जाएगा। हम ये देखते हैं कि जो अध्यापक
निर्माणात्मक आंकलन का प्रयोग समुचित रूप में करते हैं, वो छात्रों का आंकलन संपूर्ण रूप से और सतत रूप से करने में सहायता मिलती है। जब हम आंकलन और मापन की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, वहाँ पर हमेशा एक ये पक्ष आता है कि सतत हो और संपूर्ण हो, सतत हो और पूरे सभी आयामों के अनुसार हो, तो वहाँ पर इस तरह का आंकलन बहुत महत्व रखता है। छात्रों को प्रतिक्रिया के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर भी प्रदान करता है। अध्यापक जब कोई निर्माणात्मक आंकलन करने के बाद छात्रों को ये बता सकता है कि वो कौन से ऐसे विषय वस्तु है, वो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जहां पर उनको सुधारने का आवश्यकता है, छात्रों को उनके समकक्षों की सहायता करने और उनके द्वारा सहायता किए जाने में मदद भी करता है। ये एक बहुत आसान शब्दों में हम निर्माणात्मक आकलन की बात करते हैं। आइए संक्षिप्त में योगात्मक आकलन की भी बात करें। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो निर्माणात्मक आकलन है वो सीखने के लिए आकलन है, ये सीखने का आकलन है क्योंकि ये योगात्मक है। इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या एक वर्ष हो सकती है, क्योंकि योगात्मक आकलन वस्तुतः सत्र के समाप्ति के पश्चात या वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। धन्यवाद डॉक्टर वालिया, आपने विस्तार से निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन पर प्रकाश डाला। हम ये अपने विद्यार्थियों के लिए जानना चाहेंगे कि आकलन के परिणामों के अभिलेखन एवं प्रतिवेदन तैयार करने की क्या आवश्यकता होती है। बहुत सही प्रश्न है आपका। जब हम आकलन कर लेते हैं, हम मापन और आकलन कर लेते हैं छात्र के उसके विभिन्न विषय वस्तु का, विभिन्न क्रियाओं का, शैक्षिक क्रियाओं का, उसके पश्चात हमने ये देखना है कि उन आकलन के जो हमारे सूचना आ रही है, जो उसके आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों को हम कैसे अभिलेखित करें और कैसे प्रतिवेदित करें, उसका अभिलेखन कैसे हो, उसका प्रतिवेदन कैसे हो। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि आंकलों, जो भी हमारा आकलन है, उसके जो आंकड़े हैं, उसके अभिलेखन की आवश्यकता कहाँ पर और किसके लिए है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा शिक्षक के लिए और विद्यालय प्रशासक के लिए। नीति निर्धारक लोग जो हैं, राजनीतिज्ञ लोग हैं, विद्यार्थी एवं माता पिता, परामर्शदाता, इन सभी को आंकड़ों की अभिलेखन और प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आकलन के अभिलेखन और प्रतिवेदन का लाभ विद्यार्थी और माता पिता को किस तरह होता है। हम सब जानते हैं कि विद्यालय के कार्यक्रम हर विद्यालय के उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्य के अनुसार हर विद्यालय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो शैक्षिक हों चाहे वो सशैक्षिक हों, उसका आयोजन करते रहते हैं और उन कार्यक्रम के द्वारा बच्चों की क्षमता का, बच्चों के प्रदर्शन का मापन, आकलन और मूल्यांकन भी होता है। विद्यालय कार्यक्रम के उद्देश्यों की स्पष्टता आंकल जो भी हमारे आंकड़े हैं उनके अभिलेखन से, उनके प्रतिवेदन से और स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों की क्षमता और कमजोरियों की सूचना भी बच्चों को मिल जाती है कि किस विषय वस्तु में, किस क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे वो सशैक्षिक हो, वहाँ पर उनकी क्षमता कम है, कहाँ पर उनकी क्षमता अच्छी है, वो इसकी सूचना के आधार पर अपने लिए वो अवसर भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आंकड़े, हमारे जो आकलन हमने किया है उसके आंकड़ों का अभिलेखन और उनका प्रतिवेदन यानी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग समुचित की जाए, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाए, कैसे उसका अभिलेखन हो, कैसे प्रतिवेदन हो, बच्चों को समुचित अवसर दिए जाए जिससे कि वो उन अवसरों का प्रयोग अपनी क्षमता और कमजोरियों का
विकास करने में, कमजोरियों को हटाने में और क्षमता का और विकास करने में लगाएं। ये भी देखा गया है कि बच्चों में प्रेरणा की वृद्धि भी होती है। जो बच्चे कम प्रेरित होते हैं, अगर उनको सही सूचना दी जाए, समय पर सूचना दी जाए विषय वस्तु के बारे में और उनके दूसरे प्रयासों के बारे में, तो वो उससे ज़्यादा प्रेरित होंगे और उसके अनुसार वो उस प्रतियोगिताओं में या उन जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और आगे चलेंगे। साथ ही साथ एक बहुत आवश्यक चीज़ है, वो है शैक्षणिक और सशैक्षणिक गतिविधियों में संतुलन और सामंजस्य। उसमें जो हमारे आंकड़े हैं, उनका जो अभिलेखन है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे और उनके माता पिता ये समझ पाते हैं कि मुझे कहाँ पर शैक्षणिक और सशैक्षणिक गतिविधियों में संतुलन स्थापित करना है, सामंजस्य स्थापित करना है, ये बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार शिक्षक के शैक्षिक कार्य में या शिक्षण कार्य में आकलन के परिणामों के अभिलेखन और प्रतिवेदन की भी बहुत महत्ता है। शिक्षण कार्य की व्यूह रचना और समुचित विधियों का निर्धारण वो आंकड़ों के आकलन या उसके अभिलेखन और प्रतिवेदन के अनुसार कर सकता है। अपने कक्षा कक्ष का समुचित प्रबंधन कर सकता है। कक्षा कक्ष में कौन कौन सी कमियां हैं उसके अनुसार बच्चों का आकलन होता है। आकलन के अभिलेखन से और प्रतिवेदन से उसको सूचना मिलेगी कि उसकी कक्षा कक्ष में कौन से संसाधन, कौन से अवसर हैं, उनका कब प्रयोग किया जाए, किस तरह प्रयोग किया जाए, उपलब्ध अवसरों में और संसाधनों का समुचित निर्धारण कैसे हो, हर विषय के अनुसार, हर गतिविधि के अनुसार उसका निर्णय भी शिक्षक जो आकलन के परिणाम के अभिलेखन है, प्रतिवेदन है, उसके अनुसार कर सकता है। यह भी देखा गया है कि अगर आंकड़े जो आकलन के आंकड़े हैं उनका अभिलेखन प्रतिवेदन अगर समुचित है और अच्छी तरह से समायोजित है तो बच्चे और शिक्षक के बीच में सामंजस्य भी सही स्थापित होता है। इस पर बहुत से अनुसंधान हुए हैं। यह देखा गया है कि बच्चों और शिक्षकों के बीच में अगर सामंजस्य में कहीं कमी है या संतुलन नहीं है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह भी रहा है कि जो हमारे आकलन के परिणाम जो हैं उनका जो अभिलेखन प्रतिवेदन है उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात या दूसरे कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे, टीचर और बच्चों के बीच में सामंजस्य में असंतुलन आ जाता है। इसके पश्चात हम यह भी चर्चा करना चाहेंगे कि जो परामर्शदाता हैं, काउंसलर्स जो हैं, उनके कार्य में आकलन के परिणामों के अभिलेखन और प्रतिवेदन की क्या महत्ता है। आजकल आप सभी जानते हैं हर विद्यालय में, हर एक इंस्टीट्यूट में बात की जाती है परामर्शदाता की, जो कि बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो अभिलेखित हों, उसके लिए प्रक्रिया एक संयोजित की जाए और प्रतिवेदन उनको, उनका बाद जो सूचनाएं हैं उसका एक सही रूप में प्रतिवेदन किया जाए, तो उससे बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं की पहचान हो पाएगी। प्रभावपूर्ण अधिगम के द्वारा बच्चों के सामाजिक विकास का सही दिशा निर्धारण कर पाएंगे वो परामर्शदाता शिक्षकों को, माता पिता को, बच्चे को सही दिशा देंगे, सही उनको फीडबैक देंगे, जिसके अनुसार वो हमारा जो अधिगम है, हमारा जो दूसरी विकास है उसमें भी प्रभावपूर्ण दिशा निर्धारण किया जा सके। बच्चे के समाज के प्रति दृष्टिकोण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके समुचित विकास में भी एक बहुत सही कदम है ये, और उसके लिए आंकड़ों का अभिलेखन होना, अभिलेखित होना और प्रतिवेदन होना बहुत आवश्यक है। बच्चों की किसी विशिष्ट समस्या की उपचारात्मक व्यवस्था ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें कि परामर्शदाता आंकड़ों के अभिलेखन से, प्रतिवेदन से ऐसा निर्णय ले सकता है, ऐसे समस्याओं का कारक जान सकता है, लेकिन उसके लिए सूचनाओं का समायोजित होना, अभिलेखित होना बहुत आवश्यक है। आइए आगे चर्चा करते हैं विद्यालय प्रशासक के कार्य में। विद्यालय प्रशासक, वो चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे कोई और प्रशासक हो, किसी स्तर पर हो, वो आकलन के परिणामों के अभिलेखन और प्रतिवेदन में एक बहुत महत्वपूर्ण
रोल प्ले करता है और उसका योगदान और उसका जो एक अपना उसके अंदर प्रदर्शन है उससे वो अपने कार्यों की को सही दिशा दे सकते हैं। उसका जब अपना एक शिक्षकों की जवाबदेही के लिए लिया गया समुचित जानकारी, शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षकों को कैसे जानकारी दी जाए, उसके लिए उसके पास अभिलेखित और प्रतिवेदित आंकड़े होने चाहिए जिससे कि वो समय समय पर अपनी समस्याओं का निदान ढूंढ सके, उसके कारक ढूंढ सके। और इसी के साथ ही साथ जो विद्यालय प्रशासक है वो अभिभावकों और बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से समुचित जानकारी और परामर्श भी दे सकता है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसके पास वो आंकड़े समुचित रूप से अभिलेखित हों और प्रतिवेदित हों। एक बहुत और महत्वपूर्ण विषय है और वो है हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके कार्य में आंकड़ों के अभिलेखन और प्रतिवेदन की क्या महत्ता है। हम सब जानते हैं विद्यालय का प्रशासन, विद्यालय का जो एक संयोजन है वो क्लस्टर से जिले राज्य के सभी स्तर पर किया जाता है। उसमें जो संबंधित लोग हैं, चाहे वो कोई राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो कोई नीति निर्धारक हो, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास सही आंकड़े हों, अभिलेखित रूप में हों, जो उसका अभिलेखन हो वो पूर्ण रूप से किया गया हो, उसमें प्रविधियाँ यूज़ की गई हों, उसको प्रयोग में लाया गया हो, जिसकी चर्चा अब आगे हम करेंगे। साथ ही साथ अधिगमों के गुण और स्तर की वृद्धि के लिए भी विद्यालयों का कैसे वर्गीकरण किया जाए, किस तरह से विद्यालयों को अलग अलग वर्ग में जिससे कि उनको सहायता दी जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो सूचनाएँ हैं उनका अभिलेखन और प्रतिवेदन एक सही रूप में हो। पाठ्यक्रम विकास एवं शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन में विस्तृत सुधार की तरफ गतिशील रहने के लिए भी आवश्यक है कि राजनीतिज्ञ और जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनके पास सूचना सही रूप में अभिलेखित हो और प्रतिवेदित हो। बच्चों के द्वारा किए गए प्रदर्शन, बच्चों की शैक्षणिक और सशैक्षणिक जो उनकी गतिविधियाँ हैं वो बच्चे के अनुसार, उसके विषय के अनुसार समुचित रूप से अभिलेखित और प्रतिवेदित होनी चाहिए, जिसका कि प्रयोग पाठ्यक्रम विकास और शिक्षक शिक्षा में भी लाया जा सकता है, जिससे उसमें जो सुधार है वो गतिशील रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर वालिया आपने आकलन एवं प्रतिवेदन की आवश्यकता पर बल दिया। आगे मैं जानना चाहूँगा कि इस अधिगम प्रक्रिया के अभिलेखन को कैसे हम अंजाम देते हैं, किस प्रकार से इसका अभिलेखन किया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे क्या आप? देखिए, अधिगम प्रगति के अभिलेखन की प्रक्रिया कोई जटिल नहीं है, लेकिन एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम जब इसका अभिलेखन करें तो हम ये जान के चलें कि हम जो एक इस परिवेश में, जो हमारा आज का जो परिवेश है उसमें हमारे अभिलेखन करते समय कुछ बिंदुओं का भलीभांति विचार करना चाहिए। मैं एक एक बिंदु पर अपने प्रकाश डालना चाहूँगा कि अभिलेखन व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होना चाहिए। हम जिस भी छात्र का अभिलेखन, उसके आंकड़ों का अभिलेखन करते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हर बच्चे का, हर छात्र का, छात्रा का जो व्यक्तिगत रूप से अभिलेखन हो, उसके जो आंकड़े हैं वो विस्तार में हो। दूसरा बिंदु बहुत आवश्यक है कि अभिलेखन का प्रारूप आंकड़ों के प्रकार और सृजन पर निर्भर करना चाहिए। जो आंकड़ों के प्रकार हैं, जो उसका सृजन है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से बनाए गए, उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए और तभी उसके अंदर पूर्णता आएगी, तभी उसके सही तरह से वो संयोजित हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ पर उसकी चर्चा करना चाहूँगा, आंकड़ों की प्रगति के अभिलेखन की प्रक्रिया के विषय में, कि अभिलेखन प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। बगैर प्रमाण के अभिलेखन जो होगा उसको हम लोग आगे चलकर शायद प्रयोग में ना ला पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि जब अभिलेखन के पश्चात हम आंकड़ों का प्रतिवेदन करते हैं यानी रिपोर्टिंग करते हैं, तो अभिलेखन करते समय हमने प्रमाणों के साथ उसको कहीं ना कहीं सामंजस्य देखना चाहिए। गुणात्मक आंकड़ों का अभिलेखन का वर्णन सामान्य और सरल भाषा में करना चाहिए।
ये अक्सर देखा गया है कि जो हमारे गुणात्मक आंकड़े होते हैं उनका विलेखन हम लोग बहुत कभी कठिन भाषा में करते हैं, उसके लिए सामान्य और सरल भाषा में करने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अभिलेखन विभिन्न आयामों और विमाओं के अनुसार वर्गीकृत होना चाहिए, ये एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम ये देखते हैं कि जो भी हम बच्चे के प्रदर्शन का, उसके प्रदर्शन का जो हम मूल्यांकन करते हैं या प्रदर्शन का हम मापन करते हैं और उसके जो हमारे आंकड़े आते हैं उनका अभिलेखन बहुत विभिन्न विभिन्न आयामों और विमाओं के अनुसार वर्गीकृत होना चाहिए। अभिलेखन में उल्लेखित आंकड़ों के सत्यापन की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो अभिलेखन में उल्लेखित आंकड़े हैं उनको सत्यापित करने के लिए वैसे उस तरह के हमारी कदम उठाने चाहिए जिससे कि आंकड़े के सत्यापन की व्यवस्था हो और जो आंकड़े हैं वो किसी बच्चे के जो उसका विकास है, उसकी जो क्षमता है, उसकी सही सूचना दे। ये बहुत आवश्यक है एक आंकड़ों की अभिलेखन की प्रक्रिया में। आपने अभी अभिलेखन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल उपज रहा है कि अभिलेखित परिणामों का समुचित प्रतिवेदन कैसे करें। देखिए, अभी हमने जो चर्चा की है अभिलेखन की बात की है, आंकड़ों का अभिलेखन यानी उसकी रिकॉर्डिंग, जिसमें हमने अलग अलग प्रविधियाँ बताई हैं कि आज की डेट में हम लोग जब सूचना के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके हैं और हम लोग कंप्यूटर के युग में हैं तो हम सूचनाओं को जब हम अभिलेखन की बात करते हैं तो हम आज की डेट में ICT को यूज़ करके कंप्यूटर के द्वारा और वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी सूचनाओं का अभिलेखन कर सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपने प्रश्न अभी यहाँ पर उठाया है वो ये है कि परिणामों का समुचित प्रतिवेदन कैसे करें और किन को करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ आंकड़ों को अभिलेखित करते हैं और उसको समुचित स्थान पर नहीं पहुंचाते हैं तो उसका जो एक परिणाम है, उसका जो एक असली, उसका जो एक रिज़ल्ट है वो हमको नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसका समुचित प्रतिवेदन करें और वो सभी संबंधितों को, मान लिया कोई छात्र है उसकी गणित में कोई एक क्षमता जो है उसके बारे में हमें कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं, हमें ज़रूरी है कि हम उसके माता पिता को और उसके संबंधित जो लोग हैं, जो अध्यापक हैं, उसको हम आवश्यकता अनुसार उसको प्रस्तुत करें। इसका प्रस्तुतीकरण बहुत आवश्यक है और प्रस्तुतीकरण उन संबंधित लोगों को जो कि उस सूचना के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जैसी हमारे आंकड़ों के परिणाम का अभिलेखन होगा, अगर वो अभिलेखन व्यापक है, सतत है, वर्गीकृत है, तो ज़रूर है कि उसका प्रतिवेदन भी वैसा अच्छा होगा और प्रतिवेदन भी उनको आवश्यक है देना जो कि उसके साथ संबंध रखते हैं, चाहे वो डायरेक्टली उनसे साथ जुड़े हुए हों, चाहे जिस तरह से जुड़े हुए हों। परिणामों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि परिणामों का स्पष्टीकरण होना, जब हम उनको प्रतिवेदित करते हैं तो अगर उनमें स्पष्टीकरण नहीं होगा तो प्रतिवेदन में समस्या आएगी और असली लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती और इसलिए उसका विश्लेषण, क्योंकि प्रतिवेदन के बाद आंकड़ों का विश्लेषण होता है और वैसे ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो उसके आंकड़ों के प्रतिवेदन अगर ठीक तरह से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके निष्कर्ष में और उसके जो विश्लेषण है उस पर उसका फर्क पड़ेगा। अभी हमने चर्चा की परिणामों के स्पष्टीकरण की। परिणामों का स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है, स्पष्टीकरण से ही उसका सही रूप में प्रतिवेदन हो पाएगा, संबंधित लोगों तक पहुंच पाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर एक और चीज़ पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। मैं एक उदाहरण के साथ इसको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी जिसके, मान लिया विज्ञान में 50 नंबर आए हैं 100 में से, उसके लिए 50 नंबर 100 में से हैं, और अक्सर ये होता है कि ऐसी ही सूचना प्रतिवेदित की जाती है, ऐसी सूचना अभिलेखित की जाती है और ऐसी प्रतिवेदित की जाती है अध्यापकों को और उसके माता पिता को या उससे संबंधित लोगों को। हम ये नहीं बताते हैं बच्चे को कि उसकी अगर 100 में से 50 नंबर हैं तो ऐसे उसकी क्लास में, कक्षा में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स, जिनके नंबर, जिनके प्राप्तांक जो हैं वो 50 से कम है, कौन उसके करीब हैं, इतने कौन से बच्चे हैं, अर्थात जो आंकलों, जो आकलन के आंकड़े हैं उसका प्रतिवेदन में तुलनात्मक विश्लेषण बहुत आवश्यक है
और बच्चे तक, उसके माता पिता तक विश्लेषण पहुंचना चाहिए और तभी उसका एक सफल प्रयोग हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि परिणामों की जो उपयोगिता है उसकी समीक्षा बहुत आवश्यक है। जो भी हमारे परिणाम आते हैं उसका जो हम प्रतिवेदित करते हैं तो उसको विद्यालय के लोग, प्रशासक, अध्यापक और साथ ही साथ बच्चों के माता पिता बैठकर उसकी समीक्षा करें और उससे सही निष्कर्ष निकालें, जिससे कि बच्चों की क्षमताएं जो हैं, उनकी कमजोरी हैं, उसकी पहचान हो सके और सभी बच्चे एक सही दिशा की तरफ बढ़ सकें। डॉक्टर जी एन वालिया ने हमारे साथ आकलन की प्रक्रिया, प्रतिवेदन और अभिलेखन पर विस्तार से चर्चा की। हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए डॉक्टर वालिया का आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।